ओके जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ पकौड़ा। मेरा जो बीफ था हाफ के जी था, इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो पेस्ट बना हुआ था उसके मैंने 3 to 4 टेबल स्पून हम डाल सकते हैं जितना स्पाइसी आप खाते हैं इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी मतलब कि कलर आ जाए हमारा उसका, हल्दी ऐड करूँगी। देन इसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं हसबे जायका नमक, जितना नमक आपके घर में खाया जाता है। ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मैंने इसको ये फ्रीज़ करके रख दिया था 2 से 3 दिन, मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और फिर इसके अंदर मैंने आज मुझे बनाने थे ये बीफ पकौड़े, एक मैरिनेट करके मैंने रखा था, तो मैंने इसके अंदर 3 बड़ी वाली दरमियाने साइज़ की प्याज डाले थे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर तो मतलब 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड की थी। और ये जो बेसन का जो आटा है ये हमें इस तरह मिक्सचर बनाना है, हमारा जो ये मिक्सचर एक मतलब हमारा ना तो ये आटा ज़्यादा हो, मतलब एक इक्वल हमारा मिक्सचर बन जाए। उतनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से आटा ऐड किया था, और ताकि जो हमारी जो ये बीफ पकौड़े हैं और जब भी हल्की आंच पे ऑयल में फ्राई हो तो बहुत अच्छी और क्रिस्पी ये मिक्सचर मैंने अच्छे से मतलब कि इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपको आटा थोड़ा सा कम लगे तो आप उसमें ऐड कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया था। अब मैं इसको बिल्कुल लाइट हल्की लाइट फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी, ताकि जो हमारा जो बीफ होता है वो गल जाए। वैसे ऑलरेडी ये तो गल ही चुका था क्योंकि मैंने 3 दिन तक इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और अब मैं इसको हल्की आंच पर सारे पकौड़े फ्राई करने के लिए रख दूँगी जब तक इसका लाइट कलर ब्राउन ना मतलब इसका। और यहाँ पर मैंने बीफ पकौड़े ऑयल से निकाले थे और बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी। मतलब बीफ भी इसकी पूरी गल चुकी थी और बहुत मज़ा आया इसको खाने में, सब घर वालों ने बहुत शौक़ से खाया, बहुत बेहतरीन बने थे। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बीफ पकौड़ा रेसिपी बेहतरीन बनते हैं। क्या कर रहे हैं? चाय पीनी है? हाँ पी गए ना पहले, अभी नमाज नहीं। क्या कह रहे हैं उसमें? हाँ क्या कर रहे हैं? स्नैक्स खा रहे हैं, लेस खा रहे हैं। खिला आप ही को दे। अरे दे यार, कहाँ घुस रहे हैं? दे 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 सियाने दे 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 हैं। हम अभी आए हैं शॉपिंग से, ठीक है। अस्मा की ड्रेस हम बनवाने गए हुए थे टेलर के पास, क्योंकि मेरे स्टिच होकर आ चुके हैं सारे ईद के ड्रेसेस, और अस्मा के वैसे बनने रह गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बोलो बोलो अभी टाइम टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से वक्त निकल रहा है, कब सारी तैयारी। और साथ साथ प्रिपरेशन भी चलती रहती है, सहरी इफ्तारी फिर ईद आने वाली है, ईद की भी तैयारियाँ। टाइम बहुत स्पीड में निकल जाता है, पता ही नहीं चल रहा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे डे 19 की रूटीन में आप सबको। डे 18 अलविदा, ताकतें शुरू होने वाली हैं। हमें आप अपनी दुआ में खास खास याद रखिएगा, बहुत बहुत याद रखिएगा, और मेरी पूरी फैमिली को भी। अल्लाह पाक हमें लोगों की बुरी नज़रों से बचाए, हाजिरों के हसद से बचाए। मिलते हैं डे 19 की रूटीन में, 19वां रोज़ा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और ताकतें भी शुरू हो जाएंगी।
और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे डे 19 के रूटीन में। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।